लेट का लेटर लेटेस्ट हो गया, ठीक है, टाइम के बारे में बताता है, वैसे ही लेट लेटर लास्ट पोजिशन, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, सो ये किसी के कंपेयर कर रहा है किसी भी पर्सन के बारे में, रिलेटिंग थिंग्स अ पर्सन, सो यहाँ पर ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो पीपल बींग कंपेयर्ड रिलेटेड, अगर किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो ओल्ड है एल्डर है या एल्डेस्ट है, बड़ा है, कितना सबसे बड़ा है, सो उसके बारे में ये यूज होता है। हम एक्सरसाइज कर लेते हैं अब एडजेक्टिव्स की, सो राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हमें दे रखे हैं, सो हमें उसका जो है उसके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है, जैसे कि यहाँ ईजी का है, ईजी का मोस्ट सुटेबल जो है वो ईजियर ईजिएस्ट है, वैसे स्वीट का स्वीटर स्वीटेस्ट है, वाइट का वाइटर वाइटेस्ट है, फार का फादर और फर्दस्ट है, वेल्दी का वेल्दियर वेल्दियस्ट है, टॉल का टॉलर टॉलेस्ट है, ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट है, फुलिश और फुलिश का फुलर और फुलिस्ट है। सो दिस यहां पर हमारा एंड हो जाता है हमारा जो चैप्टर है एडजेक्टिव्स। सो नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट विल बी चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स। सो ये आपने अपनी कॉपी में फेयर आउट कर दें और इसको वीडियो को अच्छे से देखें और अपना सारा फेयर आउट कर दें ये सब।